ये वाला आपने सेंड किया था, उससे मैंने जो आपको पहले लिंक सेंड तो किया है। हाँ वही मैंने ओपन कर लिया हुआ। सबसे पहले तो सर्कुलर करके ये सिंपल चीज़ें तो पता ही होंगी वैसे, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, क्या? ये सिंपल स्पेसिंग वगैरह कैसे करनी है। ये सर्कल बन पता है कैसे करते हैं? ये खुला हुआ है ना एंड से। ये कंप्लीट करना है, हाँ ये जो रोटेशन आ रही है 350, इसको 360 करने पे पूरा हो जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा जैसे बन गया। ठीक है, अच्छा। इसके बाद वो सिंबल्स ऐड करने के लिए डेटा सेट्स में जाके क्रिएट डेटा सेट, ये जो शेप प्लॉट है ना ये करना है। यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, जैसे अभी मैं ये कर रहा हूँ कोई भी नाम दे दिया, लेबलिंग का इतना कुछ नहीं इशू। अब ये दो चीज़ें हैं, अभी तो फील्ड वन और टू है, अगर सिर्फ कोई एक ही सिंबल ऐड करने हैं, जैसे यहाँ पे रेबिडोप्सिस है, अगर सिर्फ इसको मार्क करना है तो एक ही होगा, तब सिर्फ एक फील्ड चाहिए, वरना फिर ऐड कर सकते हैं। ये दोबारा बताना। सिर्फ एक ही स्पीशीज को करना है ना मार्क, जैसे ये एक बनाया था मैंने, इसमें ओलिव को सिर्फ किया हुआ है, एक ही सिर्फ तरह का मार्क यूज किया है, तो उसके लिए सिर्फ एक फील्ड चाहिए, और जोन जोन सी है ना स्पीशीज वो यहाँ पे लिखते रहना है, सही। जैसे LS एक हो गया, LS टू, जितने भी है ना वो सारे लिखती है ऐसे यहाँ पर। और ये जो फील्ड की ऑप्शन है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखनी है, वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा कि उस सिंबल का साइज क्या होगा। मैंने अपनी बारी में 10 यूज किया था, 10 यूज कर लिया, अब ये आ गया। शेप कौन सी रखनी है, ज्यादा स्टार यूज होती है, इसके अलावा लेफ्ट मार्जिन आ गया, जो फाइलोजेनेटिक वाला ब्रांच एंड ओरियर उसके बीच में करना, लेफ्ट मार्जिन को अरेंज कर, इसको एडजस्ट करके आ जाएगा यहाँ पर। ये फील्ड्स के नीचे ये इतने ज्यादा ऐड कैसे किए? ऐड करने के ये लिए ऐड के ये हाँ मतलब और फील्ड और ऐड करने ये के लिए वाले क्या करना है? एंटर प्रेस करना है लास्ट वाले सेल पे, किसी पे भी होके उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ओके सही है। लेकिन अच्छा एक्सेल कर नदीम, आपने रेबिडोप्सिस का किया था ना? मैंने ओलिव का किया था, डोफ का। हाँ, उसको किसके साथ किया था? आइटल भी किया था, ये है वो। अच्छा, उसकी ग्रुपिंग की थी ना, ये ग्रुपिंग के बाहर ये कैसे लगाए हुए हैं? ए बी इसके लिए ये तो यहाँ से मैनुअल एनोटेशन की थी, जैसे अगर ये वाला एक पार्ट है, ये ग्रुप है, तो ये टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करके साइज को रखा था 150। अब यहाँ पे जो भी ग्रुप ऐड करने है, ये है अगर सपोज किया तो वो आ जाएगा, उसको पोजीशनिंग वगैरह करनी है तो फिर इस तरह हो जाएगी मूव रोटेट वाले से, जो भी है वो सबका यहाँ से ऐड टेक्स्ट वाला किया, जिस एरिया पे करना है वहाँ पे क्लिक किया, जो उस ग्रुप का नाम है वो किया टाइप, और पोजीशनिंग के लिए सब में ऐसे करना। अरे समझ आइए। हाँ भैया, नहीं यही तो रिपीट कर देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
बीच में जो ग्रुप्स है ना अक्सर जैसे डी वन है तो एक साइड पे इधर है और दूसरी साइड पे है, तो उनको इकट्ठे बता कैसे करते हैं? ये फाइलोजेनेटिक ट्री किस मेथड से बनाया था? ये नेबर जॉइनिंग मैंने एक तो ये सर ने कहा था बनाने को ये, और दूसरा मेरा अपना था, इन दोनों में नेबर जॉइनिंग वगैरह बाकी सब मेथड्स में इशू आ रहा था, तो मैंने UPGMA मेथड यूज किया था, उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आया था। कौन सा मेथड वो कहां से करता है? 1000 बूटस्ट्रैप वैल्यू रखी थी। हां बाकी सब कुछ 1000, ये मैं दिखाता हूं। ये वाला जो है ना UPGMA, इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा था, बाकी सारे ट्राई किए उसमें कोई इतना खास नहीं आया। उसमें यही आ रहा था कि एक ग्रुप का एक मेंबर कहीं और पे, दूसरा उससे काफी दूर है, तो वो सही से ग्रुपिंग नहीं हो रही थी। अच्छा, बाकी सारे ये भी इतना टाइम लेता? ये कितना टाइम लेता? ये ज्यादा टाइम ही लेता, 10-15 मिनट 20 मिनट सबसे ज्यादा तो ये लेता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड वाला। Like अगर 1000 bootstrap value रखें तो 15 to 20 minutes लेगा। हाँ तकरीबन इतने time में हो जाएगा। बाकी सारा कुछ वही settings रखनी है, बस bootstrap वाले को 1000 करना है। हम लोगों ने जब maximum likelihood method से बनाया था ना तो हम लोगों को 18 घंटे लगे थे। उसके बाद जब ये neighbor joining से बनाया तो 10 सेकंड भी नहीं लगे। हाँ वो अलग अलग से different time लगते हैं, उनका तरीका चेंज है ना algorithm का। तो ये जो UPGMA वाले हैं ये दरमियाना से है, यानी ना ज्यादा कम टाइम लेते ना बहुत ज्यादा। तो मेरा तो दोनों वाले में उसी से अच्छा रिजल्ट आया था, तो मेरे ख्याल से बाकी का बाकी में भी हो जाएगा। बाकी ये मार्किंग हो गई, ग्रुपिंग के हो गए, लेबल हाईलाइट आते करना, ये कलर्स ऐड करने जी, यही कलर्स आते हैं ऐड करने प्लेट पे क्लिक करके। नहीं ये भी डेटा सेट से होता है। कौन से वाले डेटा किया था आपने ट्री को? एक सेकंड, ये कौन से कह रहे हो? ये जो सेक्टर्स बने हुए हैं अलग अलग। अच्छा ये जो तो बीच में जो लाइंस आ रही हैं छोटी छोटी, ये जो एक ग्रुप का एक सेंटर एक सेक्टर बना हुआ है। हाँ ये क्लेट पे क्लिक करके भी जाता है, वो तो सिर्फ इसकी ब्रांच का आएगा ना, जैसे ये ब्रांच में ये कलर है, ये मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। मैं सेंड करती हूँ देख के बताओ, शाम सेंड करेगा इन्हें या मैं ऐसे बता देता हूँ इसका भी, इस पे अप्लाई कर। चलो बता दो। डेटा सेट्स में जाके क्रिएट न्यू डेटा सेट, सिंबल्स के लिए करना था शेप प्लॉट, इसके लिए करने कलर स्ट्रिप, लेबल कर दिया इसको ग्रुप के नाम। इसमें भी वही काम करना है, पहले एक जो कोई भी पहला ग्रुप होगा उसको सारे ऐड करती है, जैसे ग्रुप ए है या क्लेट वन है। अच्छा इनको कोई कलर असाइन कर देना है, ये ऊपर सॉलिड कलर हैं, अगर इनको सेलेक्ट किया तो इनको ट्रांसपेरेंट करना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लानी है, वरना वो इसके ऊपर आ जाएगा ओवरलैप कर जाएगा तो पीछे का कुछ नहीं नजर आना टेक्स्ट, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके कलर सेट कर दिया, फिर इसको कॉपी करके बाकी सेल्स में पेस्ट कर दिया, जैसे स्प्रेडशीट में करते हैं वैसे।
ऊपर हो गया लेबलिंग, इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप आ गया, अगर इसका नाम भी ये सपोज किया, इसके अंदर ये 80 वाले आ गए। ये पहले से ट्रांसपेरेंट है, इसको ग्रीन असाइन कर दिया। अब ये स्ट्रिप्स बन गई हैं यहाँ पर और यहाँ पर। इसी तरह जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारों पे करके तो ये एक सर्कुलर सा बन जाएगा स्ट्रिप एक। अब इसको अगर स्ट्रिप की जगह बैंड बनाना है इस तरह, तो उसके लिए लेफ्ट मार्जिन को कम कर दिया थोड़ा सा और स्ट्रिप की जो वेट था इसको बढ़ा दी। जब सारों का डाटा ऐड किया होगा तो वो सारा सर्कुलर बन जाएगा। जब मैंने एक दो वैल्यूज का किया है सपोज पे, और अगर सेक्टर बनाना है पूरा जैसे ये बना हुआ है, तो जो लेफ्ट मार्जिन है ये स्टार्टिंग पॉइंट यानी इसको और कम कर दिया, स्टार्ट के करीब ले गए, और स्ट्रिप की जो वेट था उसको बढ़ा दिया और ज्यादा इस तरह करके, बाद में वो सारा सर्कुलर बन जाएगा। Okay. अभी तो ये मैंने 5-6-7 वैल्यूज डाली ना, वो सारे डाल के सही हो जाएगा। और ये वो मार्क्स आ गए। जब ये दोनों चीजें ऐड होंगी तो फिर पोजीशनिंग में थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि थोड़े से आपस में लिंक्ड हैं। जैसे अब इसका लेफ्ट मार्जिन कम कर रहे हैं, इसका तो कोई नहीं आ रहा। जब ये शेड वाले का कम ज्यादा करेंगे तो ये अक्सर जो है स्टार ये कोई भी जो सिंबल लगाया हुआ है वो भी साथ में मूव करते हैं, तो वो थोड़ा सा देख के हो जाएगा एडजस्ट, वो इतना कोई इशू नहीं है। और इसे लेजेंड ऐड करना हो तो मर्जी है, सर ने वैसे नहीं करवाया था दूसरे में, क्योंकि ग्रुप में तो लेजेंड्स क्या लेजेंड्स में ये जो कलर की शेड आ रहे हैं ना इसका यहाँ पे सेपरेट एक बॉक्स बना होगा, लेकिन सर ने अच्छा, क्योंकि वो ए बी सी यहाँ पे लिखने का कह दिया है तो उसकी जरूरत नहीं है। बाकी ये हो गया, तो जो भी डाटा सेट ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, इनको अनेबल कर डिसेबल करना है तो यहाँ से हो गया। फिलहाल तो यही दो चीजें बस चाहिए, इसी से हो रहा है काम। कोई एक को बस सिंबल, कोई एक सिंबल ऐड कर दिया, अगर किसी और में भी ये सिंबल ऐड करना है कोई और शेप का तो उसके लिए डेटा सेट्स में दोबारा जाना पड़ेगा, क्रिएट न्यू डेटा सेट और एक और शेप प्लॉट। बाकी सारा कुछ वैसे ही करना है जैसे ये पहले किया था, बस कलर और शेप मर्जी है, कलर डिफरेंट करना होगा तो वो ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई अगर इश्यू हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन कर दोगे या उस पे जाएगी यूट्यूब पे? मैं वैसे तो वीडियो सेंड करूंगा, उस सारी फिर कर देते हैं यूट्यूब पे अगर हो सका।